ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के तत्वावधान में प्रिंट मीडिया की चुनौतियां एवं सुझाव विषय पर इस कॉन्फ्रेंस का शानदार आयोजन हुआ। कचहरी परिसर स्थित IMA भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्य गुरिंदर सिंह और अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर फेडरेशन के अध्यक्ष गुरिंदर सिंह सहित सभी अतिथियों का नीरज गुप्ता, डॉक्टर संतोष गुप्ता, मुर्तजा इकबाल, उमेश लव सोहेल खान एवं वैभव पौरव द्वारा माल्यार्पण और बैच लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में प्रिंट मीडिया के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं, जिसका मुकाबला एकजुट होकर किया जा सकता है। वक्ताओं का कहना था कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के संपादक निराश न हो, क्योंकि प्रिंट मीडिया का प्रभाव पूर्व में भी था, आज भी है और निकट भविष्य में भी रहेगा, लेकिन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें एकजुटता का परिचय देना है, तभी हमारी समस्याओं का समाधान संभव है। वक्ताओं का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो समाचार प्रसारित किया जाता है उसका इतना प्रभाव नहीं होता। समाचार जब समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है तो वो प्रभावशाली हो जाता है और लोग अखबार को रिकॉर्ड के तौर पर संभाल कर रखते हैं। वक्ताओं के कहने का तात्पर्य था कि प्रकाशन का मुकाबला प्रसारण नहीं कर सकता। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष आसिफ जाफरी विक्रांत ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से एकजुट हो जाने की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ रह करके कुछ चीजें सीखी हमने। हम लोग उत्तर प्रदेश में थोड़ा कमजोर थे, अब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी मजबूत हो रहे हैं और आने वाले वक्त में मैं अपने सभी सीनियर्स के सामने ये वादा करता हूँ कि आने वाला वक्त हम लोगों का अच्छा होगा और जितने भी गांव के छोटे छोटे अखबार हैं उनकी भी जिंदगी बदलेगी और हम लोग एकजुट होंगे, अच्छे काम करेंगे और आने वाले वक्त में जो खराब पत्रकार हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी निगाह रखी जाएगी। हम बदनाम नहीं होना चाहते, हम अपने कलम से लोगों को जगाना चाहते हैं, उनकी मांगों को मनवाना चाहते हैं और हक की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर हम कुछ भी गलत करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन सर का साथ होना चाहिए। सारे लोग ऐसे लोग हैं कि जिसके मेरे लिए अल्फाज नहीं कि मैं तारीफ कर सकूं। और अब यहाँ भी एक आदमी स्टार्ट किया, मान ली हम लोग शुरू किया है, आगे भी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद लखनऊ प्रोग्राम होगा, मालिक चाहेगा, बहुत कोशिश कर रहे हैं और महाकुंभ में तो बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग काम करेंगे और घर को जगाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, एक्टिव नॉट डोरमेंट। हमारी तरफ से सब प्रयास चल रहे हैं, जो मुश्किलें हैं, जो दिखते हैं सब पता है। मेन है हमारा अखबार आगे चलेगा नहीं चलेगा, हमारा फ्यूचर क्या है। हम डार्कनेस में हैं। आज के दिन सोशल मीडिया, वेब मीडिया हावी हो रहा है प्रिंट मीडिया के ऊपर। जैसे अभी किसी ने कहा कि प्रिंट मीडिया सुबह अखबार आती है, उससे पहले ही अखबार की खबर जो छपनी है वो आपके मोबाइल फोनों पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छप जाती है। पर फिर मैं कहूंगा, ये मैडम आपने शायद कहा था कि उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता, विश्वास करता है आपके लिखे हुए अखबार पे। जो विश्वास के पात्र आपका प्रिंट मीडिया है, वो विश्वास के पात्र कभी भी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हो सकता। तो जो जगह आपकी है वो जगह कोई नहीं ले सकेगा, कोई नहीं ले सकेगा। हाँ, हम दिक्कत में जरूर है। पीछे हमने एक कमेटी बनाई थी प्रेस काउंसिल की फॉर एडवर्टाइजमेंट, उसका मैं कन्वीनर हूं, मेरे साथ मेरे मेंबर श्याम सिंह पनवर जी भी बैठे हुए हैं। और हमने समन किया था CBS वालों को, उनका डायरेक्टर साहब आए थे नंबूदरी पाल। हमने कहा कि आप ये बताइए कि एक टाइम पे 800 करोड़ का हम लोगों को दिया जाता था कि ये आपको एडवर्टाइजमेंट दिए जाएंगे, आज के दिन 800 से वो सिर्फ 125 करोड़ रुपए हो गए, 120 करोड़। और उसमें से भी बड़े श्रेणी, मध्यम श्रेणी और छोटे श्रेणी को कितने दिए जाते हैं ये बताइए आप। और सर विज्ञापन का रेट भी बढ़ गया, विज्ञापन का रेट भी 35% बढ़ गया है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, मुझे आप उन्हें मेरे को सूची चाहिए कि आप बड़े अखबार को कितना देते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी 50% जाना चाहिए बड़े अखबार को, 35 मध्यम को, 15 छोटे को।
आज के दिन अगर अखबार का हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेस, क्योंकि छोटे अखबार के स्पेस है 11 रुपए स्क्वायर सेंटीमीटर, बड़ा अखबार है 250-300 रुपए स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एक बड़ा अखबार हमारा कितना रेशियो खा जाता है। हमारे को उसी हिसाब से दीजिए जो हमारा प्राइस रेशियो है। अगर 100 रुपए हैं तो 100 में से 15 छोटे को, 35 मझोले को और 50 बड़े को दीजिए। अब बड़े को दीजिए पर हमारा हक क्यों मारे। कॉन्फ्रेंस को पीसीआई के सदस्यगण डॉक्टर एलसी भारतिया, श्याम सिंह पवार, राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार नवरत्न, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल प्रभारी दिवाकर खरे, सुधीर पंडा, मुर्तजा इकबाल एवं उमेश लव ने संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरिंदर सिंह ने की और संचालन श्री अग्रवाल और प्रदेश महासचिव नीरज गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। फेडरेशन के प्रदेश महासचिव नीरज गुप्ता ने कॉन्फ्रेंस के विषय में जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो आयोजित किया गया था ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन का प्रोग्राम आयोजित होने हुआ है, जिसमें कि हमारे जो पीसीआई के 3 मेंबर्स पहुंचे हैं, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं नेशनल गुरिंदर सिंह साहब, और जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं अशोक नवरत्न जी, और जो मैं खुद एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने शहर में इतनी अच्छी बड़ी डिग्निटीज़ को पहली बार एक मंच पर इकट्ठा किया है, जो हमने अपनी बात उठाई है छोटे और मझले अखबारों की और मीडियम अखबारों की जो प्रॉब्लम्स हैं नेट ना मिलने की, उसको बहुत तरीके से उठाया गया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे एक कार्ड जो मान्यता प्राप्त पत्रकार वाला भी प्राप्त हुआ, इससे भी मैं बहुत खुश हूँ। बाकी हमारा जो प्रोग्राम आज का ये मैसेज देता है कि हमारी ये यूनिटी है, वही जब हमारे नंबर्स ऑफ लोग पत्रकार और अखबार वाले साथ जुड़ेंगे वही हमारी एक ताकत होगी, और निश्चित तौर पर जो ये लोगों का प्रयास है कि प्रिंट मीडिया का भविष्य खत्म है, मैं नहीं मानता। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि प्रिंट मीडिया जो है वो एक अखबार जो है वो एक दस्तावेज है, और वाकई ही अखबार ही कहीं पर कटिंग में काम में लिया जाता है, और हमें अगर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि अगर अखबार वाले गधे हो सकते हैं तो गधे पे जब मट्टी डाली जाएगी तो फिर वो उठ जाएगा, फिर उठ जाएगा, आखिर उसे मट्टी से या इन सरकार विरोधी नीतियों से दबाया नहीं जा सकता, मेरा ही मानना है। इस दौरान मोहम्मद जान, तुर्की मजहर, जिशान, उज्जवल कुमार, अंकित चौहान, परवेज नाजिम, मिर्जा अलीम बेग, संजीव कुमार, सुहेल खान और अमान वारसी सहित अनेक पत्रकार मौजूद रहे।